आईपीएल 2023 का 33वां मैच जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच। आपको स्टूडेंट दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और ये बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एलएस करने के बाद आपको इसमें पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे लगता है दोनों टीम कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जरूर से देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ मोहित भाई के बारे में। अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ने जाना चाहते हो तब इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काम अच्छा है, कॉन्टैक्ट आप जाके मतलब ही कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि देखो आपको पता है किसी ने जितने हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है कितना ज्यादा मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट के 5 T20 मैचेस में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी है तो 5 में से 4 बार जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है कोलकाता नाइट राइडर टीम से जीती है, वहीं केवल 1 बार जो कोलकाता नाइट राइडर टीम जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम से जीती है। लास्ट मैच में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी जो कि आईपीएल 2022 में भिड़ी थी, ठीक है, जिस मैच में यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर टीम जो चेस करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम से 6 विकेटों से जो है जीत गई थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें मैं दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की, कोलकाता नाइट राइडर टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट के 5 मैच जो खेली है 2 मैच जीती है 3 मैच हारी है। बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम की रिसेंट फॉर्म की तो लास्ट के 5 मैच जो खेली है 4 मैचेस जीती है, केवल 1 मैच जो यहाँ पे हारी है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों की यहाँ पे आईपीएल 2023 के लास्ट मैच के बारे में, आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर लास्ट मैच जो यहाँ पे हार के आ रही है, वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम अपना लास्ट मैच जो यहाँ पे जीत कर आ रही है, ठीक है। अब बात कर लेते दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन के बारे में तो आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर टीम लास्ट के 10 मैच जो सभी टीमों के साथ खेली है तो 40% कोलकाता नाइट राइडर टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें 172 का एवरेज स्कोर रहा है, हाईएस्ट स्कोर है 208 रन का, वहीं लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 101 रन का। बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम की तो चेन्नई सुपर किंग की टीम लास्ट के 10 मैच जो सभी टीमों के साथ खेली है तो 50% चेन्नई सुपर किंग का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें 167 का यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, हाईएस्ट स्कोर है 226 रन का, वहीं लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 97 रन। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की जो कि वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिएगा। अगर दोनों टीमों की यहाँ पे टीम एनालिसिस की बात करें तो आपको बता दूं कोलकाता नाइट राइडर हो या चेन्नई सुपर किंग की टीम, दोनों टीमों की ओपनिंग सजा की बात करें तो मुझे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का ओपनिंग सजा ही मजबूत जो है लग रहा है, ठीक है। मिड ऑर्डर में दोनों टीमें स्ट्रांग है, बैटिंग डेप्थ दोनों टीमों के पास है, पेस बॉलिंग में यहाँ पे दोनों टीमें एवरेज है, यहाँ पे स्पिन बॉलिंग में दोनों टीमें जो है मुझे स्ट्रांग जो है दिखाई दे रही है अभी के लिए, ठीक है। बात करते हैं आईपीएल 2023 के यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के बारे में तो आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग की टीम इस पॉइंट्स टेबल में जो है नंबर 3 पे है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर टीम इस पॉइंट्स टेबल में जो है नंबर 8 पे है। चेन्नई सुपर किंग की टीम अभी तक आईपीएल 2023 में टोटल 6 मैचेस खेली है, 4 मैच जीती है 2 मैच हारी है, ठीक है। नेट रन रेट प्लस में चल रहा है अभी चेन्नई सुपर किंग का। बात करें कोलकाता नाइट राइडर टीम का तो कोलकाता नाइट टीम जो आईपीएल 2023 में अभी तक टोटल यहां पे जो 6 मैचेस खेली है 2 मैच जीती है 4 मैच हारी है, बट ये अच्छी बात है कोलकाता के लिए कि कोलकाता का जो नेट रन रेट है बहुत अच्छा अभी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में तो बता दूं कोलकाता नाइट राइडर टीम जो है अपना लास्ट के 3 मैच बैक टू बैक जो है हार के आ रही है, ठीक है। वही चेन्नई सुपर किंग की टीम फॉर्म में वापस आ चुकी है और लास्ट के 2 मैचेस बैक टू बैक यहां पे जीत के आ रही है, बड़ी बड़ी टीमों को जो हरा कर आ रही है यहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम। बात कर लेते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, उससे पहले आप जरा देख लो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में जो मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है और जैसे कि आपको पता है इस आईपीएल मैच के बाद भी बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, अगर आपको सही मैच का प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इन सारे मैचेस में पूरे आईपीएल बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे और आपको मैं टेलीग्राम चैनल मैच शुरू होने से पहले जितनी ब्रेकिंग न्यूज आती है जितनी बड़ी बड़ी खबरें आती है वो भी सबसे पहले आपको मैं टेलीग्राम पता चल जाता है, मैच की पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल मिलती रहती है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इन सारे मैच बहुत फायदे में रहोगे, फटाफट जाओ जाके ज्वाइन आप लोग कर लो। और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मोहित भाई के बारे में, अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ने जाना चाहते हो तब इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कम से कॉन्टैक्ट आप जाके मतलब ही कर सकते हो। बात करें पर्सनल मैच प्रेडिक्शन की तो आपको बता दूं दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एलएस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको चेन्नई सुपर किंग की टीम आपको इस मैच को जीतती हुई इस मैच को विन करती हुई दिखाई जो दे सकती है, बट आपको बता दूं ठीक है ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट नहीं है क्योंकि देखो कभी कैसा होता है मैच शुरू होने से पहले मैच पर कोई बड़ी खबर जिसका मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं मैच का फाइनल अपडेट मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने इसी वीडियो के
क्वेश्चन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।